हेलो बच्चा पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जांपल नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 2। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2 को। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 800 गाउस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 800 गाउस। गाउस इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सिंपल सा फंडा है कि हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेशंस में यूज करना है तो इस यूनिट को कन्वर्ट करना होगा ऐसा यूनिट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, गिवन डेटा नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया था थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 800 गाउस। तो हम क्या करने वाले भाई, इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई में, यानी 800 इंटू 10^-4 टेस्ला, क्योंकि हमें पता है कि 1 गाउस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला, राइट? ओके, एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑन 0.016 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट है उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है और टॉर्क लग रहा है 0.016 न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों पॉइंट्स के डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पॉइंट ए को। तो पॉइंट ए कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, यानी कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। तो मैं यहां पे नोट करता हूं पॉइंट ए मैग्नेटिक मोमेंट, करेक्ट, मैग्नेटिक मोमेंट। चले बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमें यहां पे हिंट दी गई थी और हिंट में दिया गया था टॉर्क। तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का बच्चों फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। क्रॉस यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इस क्रॉस को रिमूव करते हैं बच्चों, तो यहां पे इसका फॉर्मूला बन जाता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, जहां पे टाव यानी टॉर्क, एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड फील्ड, करेक्ट। चलिए तो हम यहां से एम को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो एम इज इक्वल टू क्या बच्चे के बच्चों, टाउ बाई बी साइन थीटा। वैल्यू को पुट करते हैं, टाउ की वैल्यू थी 0.016 डिवाइड बाय बी। बी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 800 इंटू 10^-4 इंटू साइन थीटा। आप देखिए बच्चों, यहां पे हमें थीटा दिया गया था 30, राइट है, और हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, करेक्ट। तो हम यहां पे लेंगे 1/2, राइट है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पे ये 2 को कट कर दीजिए तो 400 बच जाएगा। अब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आपको क्या करना है, 0.016 डिवाइड बाय 400 इनटू 10^-4 है, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस 4 हो जाएगी, तो इनटू एक के बाद 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसे नहीं भूलना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट ए था, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर ली है, हमारा आंसर आया है 0.4 एम्पियर इंटू मीटर। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू की ओर। तो पॉइंट टू कह रहा था कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशंस। अब देखिए हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वो वर्क डन फाइंड आउट करना है जहां पे ये जो मैग्नेटिक बार है वो स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन की ओर जाए। अब देखिए बच्चों, स्टेबल कंडीशन किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं कि स्टेबल कंडीशन यानी कि वो कंडीशन जहां पे जो डाइपोल है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो जाए। यानी कि याद रखिए कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जहां पे पैरेलल हो जाएंगे,
ठीक है, वहां पे हमें स्टेबल कंडीशन मिलनी है, यानी कि यहाँ जहां पे थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो हमारी स्टेबल कंडीशन होगी, और जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल यानी कि एक दूसरे की ऑपोजिट कंडीशन में होते, ऑपोजिट डिरेक्शन में होते, एट दैट टाइम बच्चों हमें मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो याद रखिए थीटा इज इक्वल टू जीरो पे हमें स्टेबल कंडीशन मिलेगी और थीटा इज इक्वल टू 180 पे हमें अनस्टेबल कंडीशन मिलेगी। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें वो वर्क डन फाइंड आउट करना है कि जहां पे थीटा इज इक्वल टू जीरो टू थीटा इज इक्वल टू 180 तक का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं बी, वर्क डन फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू जीरो टू थीटा इज इक्वल टू 180। राइट हैंड बच्चा पार्टी, समझ में आया ना हमने जीरो और 180 कैसे लिया? ओके, चलिए अब वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए बच्चों, ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला कहां से डिराइव किया है तो वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दू। एक्चुअली आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते हैं, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी यानी यू टू माइनस यू वन, और वहां से वैल्यू पुट करते हुए बच्चों हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वर्क डन का, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। राइट, चलिए तो अब हम क्या करेंगे भाई, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये कोस थीटा वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कोस 0 माइनस कोस 180। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी कोस 0, कोस 0 की वैल्यू बच्चा पार्टी होती है 1, माइनस कोस 180 की वैल्यू बच्चों होती है माइनस 1। करेक्ट है, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो यहाँ पे बच्चों आंसर आना है 2 एम बी। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू यानी m यानी मैग्नेटिक मोमेंट, और m मैग्नेटिक मोमेंट तो हमने ऑप्शन नंबर a में ही डिराइव किया था और वो था 0.4, और b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों 800 × 10⁻⁴। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए और फटाफट से आंसर लाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 0.064 जूल, जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क। करेक्ट, तो ये आ गया हमारा वर्क। राइट है, बट अभी भी एक पॉइंट बाकी है, चलिए उस पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय अ सोलेनोइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 1000 टन्स, मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ टन्स है वो कितने हैं, 1000 है। बट ऑफ द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब उनकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है जितनी बार मैग्नेट की थी। देखिए बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी थी, 0.4, तो सोलेनोइड की भी मैग्नेटिक मोमेंट है 0.4। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है तो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, या तो इसे थोड़ी देर पॉज करके भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी मेथड को चूज कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की ओर। यस, तो यहाँ पे हम बच्चों फाइंड आउट करने हैं सी पॉइंट, सी पॉइंट हमें फाइंड करना था फाइंड करंट, ठीक है, करंट डिपेंड करना था ना इन सोलेनोइड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में दिया था हमें एरिया, एरिया था 2 × 10⁻⁴ यूनिट मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए थे हमें 1000। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी हमें तो बता ही दिया था, मैग्नेटिक मोमेंट थी 0.4, ठीक है, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, और करंट हमें फाइंड आउट करना था आई। तो अब देखिए बच्चों, आपको बता दूं कि सोलेनोइड की मैग्नेटिक मोमेंट का बच्चों फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एन आई ए। राइट, आपको अच्छे से याद होगा सोलेनोइड की मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एन आई ए। यहां से अगर हम आई को सब्जेक्ट बना लेते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला बनेगा एम बाय एन इंटू ए। करेक्ट, एम बाय एन इंटू ए,
वैल्यू पुट करते हैं 0.4 डिवाइड बाय n की वैल्यू थी 1000, a की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁴। करेक्ट। चलिए अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन है काफी इजी है। यहां पे आप एक काम कर सकते हो, 0.4 डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁰ बचेगी ना, क्योंकि ये 3 जीरो और यहां से 3 कट हो गया, 10⁻⁰ ऊपर जाएगी तो 4/2, देन यहां पे बच्चों आंसर आना है 2 एम्पियर। राइट, तो मतलब कि अगर हमने बार मैग्नेट की जगह पे सोलेनोइड यूज किया तो सोलेनोइड में अगर हमें सेम मोमेंट प्रोड्यूस करनी है तो हमें उसमें से 2 एम्पियर का करंट पास करना होगा। राइट है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये जो एग्जांपल नंबर 2 था वो थोड़ा सा लेंथी था बट काफी इजी भी था, तो अच्छे से मजा आया होगा। राइट है, इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एग्जांपल नंबर 3 के साथ। थैंक यू।